हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, अगर आपके पास गूगल क्रोम में ये एरर आ रहा है 404 पेज, तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको जो है गूगल क्रोम को ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक कर यहाँ पर आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इस ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए और यहां पर आपको क्लियर ब्राउजिंग डाटा पर क्लिक करना है और आपको यहां पर बेसिक टैब में टाइम रेंज ऑल टाइम सेलेक्ट करना है और यहां पर इस तरीके से। उसके बाद आपको यहां पर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, फिर आप यहाँ पर क्लियर डाटा पर क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर एडवांस टैब में आना है और यहाँ पर भी आपको टाइम रेंज ऑल टाइम सेलेक्ट करना है और यहाँ पर भी सारे ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर देना है। सारे ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पर क्लियर डाटा पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको गूगल क्रोम को क्लोज कर देना है। फिर दोस्तों, आपको जो है विंडोज 11 के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल, इसको क्लिक कर आप ओपन कीजिए और यहां पर आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहां पर चेंज अडाप्टर सेटिंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहां पर इंटरनेट कनेक्शन सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक कर प्रॉपर्टी पर क्लिक कीजिए और यहां पर आपको जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहां पर प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। प्रीफर्ड DNS सर्वर में आप जो है इस तरीके से टाइप कीजिए और यहाँ पर अल्टरनेट DNS सर्वर में इस तरीके से टाइप कीजिए। फिर आप ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑल सेटिंग्स को क्लोज कर देना है। फिर दोस्तों, आपको विंडोज 11 की सेटिंग ओपन करना है। आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप आई प्रेस कीजिए, शॉर्टकट की से सेटिंग ओपन हो जाएगी। और आपको यहाँ पर विंडोज़ अपडेट के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर चेक करना है आपके पास विंडोज़ अप टू डेट है या नहीं। अगर आपके पास विंडोज़ अपडेट पेंडिंग है तो आप उसको डाउनलोड कर इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आपको सेटिंग को क्लोज कर देना है। फिर आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कमेंड प्रॉम्प्ट, राइट क्लिक कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कीजिए और आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से कमेंड टाइप करना है। फिर आपको इंटर प्रेस कर देना है और यहाँ पर आपको एक और कमेंड यहाँ पर टाइप करना है इस तरीके से। फिर आप इंटर प्रेस कीजिए। उसके बाद आप जो है कमेंड प्रॉम्प्ट को क्लोज कीजिए। उसके बाद आप अपने PC को रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।